फिल्मी कलाकार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आसमाने उतरे हैं। हालांकि कई फिल्मी चेहरे राजनीति में अपनी छाप नहीं छोड़ पाए और जल्द ही उनका राजनीति से मोह भंग हो गया, लेकिन कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जो राजनीति में लंबी पारी खेल रही हैं और एक बार फिर देश की सियासत में ग्लैमर का तड़का लगाने को तैयार हैं। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट चर्चे में है। इस सीट से बीजेपी ने कंगना रनौत को मैदान में उतारा है। हालांकि इस सीट पर कांग्रेस का दबदबा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने इस सीट पर 13 बार जीत दर्ज की है, जबकि बीजेपी को 5 बार जीत मिली है। मंडी सीट से वीरभद्र सिंह की परिवार में 6 बार जीत हासिल की है। कांग्रेस की तरफ से सुखराम ने भी 3 बार जीत हासिल की है। मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी ने एक्ट्रेस कंगना रनौत को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस की प्रतिभा सिंह इस सीट से सांसद हैं। शुरुआत में उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब उन्होंने चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। अब देखना है कि कांग्रेस किसको इस सीट से मैदान में उतारती है। मंडी लोकसभा सीट पर 19 बार चुनाव हुए हैं, इसमें से 3 बार उपचुनाव हुए। तीनों उपचुनाव में कांग्रेस को जीत मिली। इस सीट पर कांग्रेस ने 13 बार चुनाव में जीत हासिल की है, जबकि बीजेपी को सिर्फ 5 बार जीत नसीब हुई। एक बार जनता पार्टी के उम्मीदवार विजयी हुए हैं। इस सीट पर वीरभद्र सिंह परिवार को 6 बार जीत मिली है। 3 बार वीरभद्र सिंह खुद सांसद चुने गए और 3 बार उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह को जीत मिली। लंबे वक्त से बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के चुनाव लड़ने की चर्चा थी, अब इन चर्चाओं पर विराम लग गया है। इसी सीट से नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के भी चुनाव लड़ने की चर्चा थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने लंबे वक्त से खुलकर पार्टी का समर्थन कर रही कंगना रनौत को अपना प्रत्याशी बनाया है। मेरा सौभाग्य है, देखिए ये मेरी जन्मभूमि है और मेरी जन्मभूमि ने मुझे वापस बुलाया है। मेरे अपनों ने, मेरे लोगों ने मुझे वापस बुलाया है और मैं उनकी, अगर मुझे चुनेंगे, मैं उनकी सेवा में तत्पर रहूंगी। इसमें कोई दोराय नहीं है। मैं एकदम भाव विभोर हूं। आप समझ सकते हैं कि मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए कितना भावनात्मक ये दिन है। हमारे जो राष्ट्र प्रेसिडेंट हैं जेपी नड्डा जी, जो कि हमारे हिमाचल से ही हैं, उनका मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूं। अनुराग ठाकुर जी ने भी मेरा बहुत सहयोग दिया है। हमारे जो एक्स सीएम हैं जयराम ठाकुर जी, वो भी मुझे मेरा बहुत अच्छा मार्गदर्शन करते हैं। हमारे जो होम मिनिस्टर जी हैं अमित जी, वो मेरा बहुत अच्छा मार्गदर्शन करते हैं। मैं उनकी सदैव आभारी हूं और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो हैं, उनकी कृपा है हम पर, जो आज हमें ये इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मिली है, तो हम सबका धन्यवाद करते हैं। देखिए चैलेंजेस तो हमेशा से ही आए हैं। मैं बहुत छोटी उम्र में जो है वो घर छोड़कर व्यवसाय के, रोजगार के लिए बाहर चली गई थी, तो उसमें भी मुझे कई संकटों का जो है सामना करना पड़ा। शायद इसीलिए ईश्वर ने मुझमें ऐसी शक्ति और इस तरह की ऊर्जा दी है कि शायद अब आप लोगों की सेवा कर सकूं। तो आप लोगों का सहयोग मिलेगा अगर आप लोगों का इस तरह का रहेगा कि हाँ कंगना हमारी सेवा में आए, तो डेफिनेटली मैं आपकी सेवा में तत्पर रहूंगी। कंगना रनौत भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय सदस्य तो नहीं है, लेकिन वो अपने बयानों से लगातार बीजेपी का समर्थन करती हुई नजर आती है। वो सार्वजनिक मंच से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की तारीफ करती रही हैं। लंबे वक्त से उन्हें मंडी से उम्मीदवार बनाने की चर्चा थी। लोकसभा चुनाव नजदीक है और उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर सभी की नजर है। देश का सबसे बड़ा राज्य इस बार ज्यादा दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण सभी पार्टियों के लिए साबित होने वाला है। यूपी की ही मेरठ लोकसभा सीट पिछले कई सालों से दिलचस्प मुकाबला दिखा रही है। इस बार बीजेपी ने सिटिंग सांसद राजेंद्र अग्रवाल का टिकट काटकर अरुण गोविल को मैदान में उतारा है। दूसरी तरफ कांग्रेस और सपा, आम आदमी पार्टी प्रत्याशी भानु प्रताप सिंह चुनावी रण में अपना कौशल दिखाएंगे। बसपा ने देवदत्त त्यागी पर भरोसा जताया है। रामायण सीरियल में भगवान राम के रोल से अरुण गोविल को घर घर में पहचान मिली। कोविड के समय जब फिर से रामायण को प्रसारित किया गया, तो एक बार फिर लोगों ने अरुण गोविल को ही वही प्यार दिया।
मेरठ को लेकर एक बड़ा आंकड़ा ये भी है कि 1991 के बाद यहाँ से अब तक 8 बार चुनाव हुए हैं, जिसमें 6 बार भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। बीजेपी का लगातार 3 बार जीतने का रिकॉर्ड 1999 में कांग्रेस के अवतार सिंह बढ़ाना ने तोड़ दिया था। फिर 2004 के चुनाव में बीएसपी ने मोहम्मद शाहिद अखलाक को उतार कर फिर बीजेपी को पटकनी देने का काम किया था। तो वहीं सालों पहले कांग्रेस चाहती थी कि अरुण गोविल कांग्रेस के लिए इलाहाबाद से चुनाव लड़े, लेकिन उस वक्त एक्टर ने मना कर राजनीति में आने से मना कर दिया था। इस बात का खुलासा खुद अरुण गोविल ने एक इंटरव्यू में किया था। उन्होंने कहा था कि पूर्व पीएम राजीव गांधी उन्हें इलाहाबाद से चुनाव भी लड़ाना चाहते थे, लेकिन तब वो इसके लिए तैयार नहीं थे। हालांकि अब वो चुनावी मैदान में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। मेरठ से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम फीलिंग थ्रिल्ड एब्सोल्युटली। कारण यह है कि मेरठ मेरी अपनी जगह है। मैं मेरठ में पैदा हुआ, मैं मेरठ में बड़ा हुआ, मैंने मेरठ से मेरी पढ़ाई की, तो एक ऐसी जगह जहां ये सब हुआ है उससे कितना जुड़ाव हो सकता है आप सब लोग अंदाजा लगा सकते हैं इस बात का। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं जो करता रहा आज तक, वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो भी सेवा का एक रूप था, और अब ये लोगों की सेवा का, हमारे भाइयों बहनों की सेवा का एक दूसरा रूप अब यहां से शुरू होगा। तो अच्छा लग रहा है, जो काम पहले करता था वही अभी भी करूंगा, हालांकि बस रूप उसका बदल जाएगा। और अपनी जगह से कितना लगाव होता है, कितना जुड़ाव होता है, ये सब आप जानते हैं। मैं 2-3 साल पहले लास्ट टाइम जब मेरठ गया था, तो वहां के मतलब आज जब से ये हुआ है कि मुझे मेरठ से चुनाव लड़ना है, तब से वहां का मेरा पुराना घर, मेरे जिन गलियों में, जिन कूचों में, जिन स्कूल्स में मैं पढ़ा हूं, वो सारे मेरी नजरों के सामने जो है वो घूम रहे हैं। एंड आई वुड लव टू बी देयर, एंड आई वुड लव टू मीट पीपल, एंड आई वुड लव टू वर्क फॉर द पीपल ऑफ मेरठ एंड हब। बीजेपी से लोकसभा का टिकट मिलने पर अरुण गोविल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, इस समय पूरा देश, पूरा विश्व राममय है, और रामलला का मंदिर कितने सालों की जद्दोजहद के बाद बना है। ओवरऑल माहौल बहुत एनर्जेटिक है, बहुत अच्छी ऊर्जा है, वो ऊर्जा जो भगवान राम हमें देते हैं, उस ऊर्जा से देश हमारा ओतप्रोत है। ये देखकर अच्छा लग रहा है, हर चीज पॉजिटिव नजर आती है। काम तो इतने हुए हैं कि उनको आगे गिनाया नहीं जा सकता। जितने काम हमारे प्रधानमंत्री ने कर दिए हैं इन सालों में, मुझे नहीं लगता कि उसके आगे एक जीरो भी लगाई जाए तो उतने सालों में उतने काम हो पाए। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की राजनीति गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की घोषणा के साथ ही चुनावी सरगर्मी तेज होती जा रही है। भाजपा ने मथुरा लोकसभा सीट से फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी पर एक बार फिर भरोसा जताया है। भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा से हेमा मालिनी चुनावी मैदान में टक्कर देती नजर आएंगी। भारतीय जनता पार्टी की ओर से उम्मीदवार की घोषणा होने के बाद हेमा मालिनी ने पार्टी नेतृत्व पर भरोसा जताया है, और साथ ही उन्होंने मथुरा के लोगों के विकास के लिए लगातार काम करने की बात भी कही है। मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने तीसरी बार टिकट मिलने के बाद कहा कि मुझे एक बार फिर मौका मिला है, तीसरी बार मथुरा से लड़ने के लिए टिकट दिया गया है, मैं यहाँ पर पहले के मुकाबले और काम करूँगी, मुझ पर फिर से विश्वास करने के लिए मैं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देती हूँ। दुनिया तो देश में हो गई है, तो एकदम एक्साइटमेंट हो गया है सबको। हमारे मथुरा में एवरीबॉडी इज सो एक्साइटेड कि अभी बहुत कुछ होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है। और मुझे तीसरी बार मुझे टिकट दिया है, इसके लिए मैं हमारे प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी और नेताजी और योगी जी सबको और हमारे सारे ब्रजवासियों को, और सबसे ज्यादा मैं राधा रानी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे फिर से एक अवसर मिल रहा है। इस बार बहुत सारे विचार जो बैलेंस रह गया है उसके सब पूरा करना है, और मोदी जी इतना कुछ आगे करने वाले हैं, उसका पूरा जो काम वो करने वाले हैं उसका मुझे साक्षी बनकर
साथ में रहने। मोदी जी का तो गारंटी है ही है, मोदी जी का सपना है, मोदी जी ने कहा है अब की बार 400 पार, डेफिनेटली 400 पार और अब की बार फिर एक बार मोदी सरकार और फिर एक बार हेमा मालिनी सांसद। राजनीति की तरफ हेमा मालिनी का पहला कदम 1999 में तब बढ़ा जब उन्होंने पंजाब के गुरदासपुर में लोकसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार और पूर्व बॉलीवुड अभिनेता विनोद खन्ना के लिए प्रचार किया। फरवरी 2004 में हेमा मालिनी आधिकारिक तौर पर बीजेपी में शामिल हो गई। 2003 से 2009 तक उन्होंने भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा मनोनीत होने पर ऊपरी सदन राज्यसभा में सांसद के रूप में कार्य किया। मार्च 2010 में हेमा मालिनी को बीजेपी का महासचिव बनाया गया और फरवरी 2011 में पार्टी महासचिव अनंत कुमार ने लोकसभा के लिए 2014 के आम चुनाव में उन्हें टिकट देने की सिफारिश की। उस समय हेमा मालिनी ने मथुरा के मौजूदा सांसद जयंत चौधरी को 3,30,743 वोटों से हराया था। पिछले लोकसभा चुनाव में हेमा मालिनी ने आरएलडी के कुंवर नरेंद्र सिंह को लगभग 2,94,000 वोटों के मार्जिन से हराया था। लोकसभा चुनाव 2019 में हेमा को जहां 6,71,000 वोट मिले थे तो वहीं कुंवर नरेंद्र को 3,77,000 मतों से संतोष करना पड़ा था। कांग्रेस के महेश पाठक को इस सीट पर 28,804 मत मिले थे। रवि किशन की सियासी पारी बाकियों से कुछ अलग और शानदार रही है। राजनीति में उनकी एंट्री तो 2014 में ही हो गई, लेकिन उन्हें पहचान मिली 2019 में। कांग्रेस से निराश हो चुके रवि किशन बीजेपी की नीतियों से प्रभावित हुए तो वहीं बीजेपी ने उन्हें गोरखपुर सीट से सांसद का उम्मीदवार बना दिया और अब एक बार फिर बीजेपी आलाकमान ने भरोसा जताते हुए उन्हें टिकट दे दी है। लोकसभा चुनाव के लिए अपने नाम की घोषणा होने के बाद रवि किशन ने कहा कि काशी की लोकसभा सीट के बाद गोरखपुर की सीट दूसरी सबसे अधिक अहम सीट है। मैं पीएम मोदी और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं इस भरोसे को हमेशा कायम रखूंगा। भाजपा गोरखपुर सीट पर फिर से जीत दर्ज करेगी और इसी के साथ हम 400 से अधिक लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज कर इतिहास रचेंगे। पहला सांसद हूँ शायद जो अपना बिजनेस भोजपुरी इंडस्ट्री, अपने सिनेमा का बिजनेस या तेलुगु फिल्म या हिंदी फिल्म की शूटिंग कर रहा, 150 फिल्म, अनगिनत रोजगार कलाकारों को यहाँ देना, एक नई ऊर्जा गोरखपुर को जो पूज्य महाराज जी ने इतना सुंदर बनाया उसको हिंदुस्तान के पटल पर एक नजीर बन के उसकी मार्केटिंग करके उसको जनवाना, जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं पर्यटन को बढ़ावा देना, आज गोरखपुर पर्यटक का पर्यटन का बहुत बड़ा हब बन चुका है। गीडा इंडस्ट्रियल एरिया, कोरोना काल में 3,00,000 टन गरीबों को अनाज बांटना और बाढ़ में नाव लेके नली में गली में हर जगह 5 साल हमारे फेसबुक और या मेरे ट्विटर या इंस्टाग्राम पे वो जब तस्वीरें हैं वो बताएंगे कि आपका सांसद आपके लिए हर दुख सुख में कैसे खड़े रहे, जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी पूज्य महाराज जी, ऐसे संगठन के सारे कार्यों को करना, भाजपा के संगठन को कार्यों को जमीन के धरातल पे उतारना, लाभार्थियों के संपर्क में जाना, मुख्यमंत्री आवास रहा या प्रधानमंत्री जी का अनगिनत आवास, प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए गए 12 से 14 करोड़ रुपए यहाँ की गरीब जनता के इलाज के लिए उन तक पहुंचाना, तो जो जो प्रधानमंत्री जी के कार्य रहे उसको जमीन पर धरातल पे उतारना, पूज्य महाराज जी के कार्य रहे हर सुख दुख में खड़ा रहना, एक अलग समय जैसे सुपरस्टार की जो एक इमेज थी कि नहीं मिलेंगे हीरो है उसको पूरा उसको ध्वस्त कर देना। राजनीति में कदम रखने से पहले रवि किशन फिल्मी दुनिया के वो सितारे रहे जिसने अपनी चमक से भोजपुरी दुनिया को नया आयाम दिया। फिर एक समय वो भी आया जब बॉलीवुड और भोजपुरी सिनेमा ने उन्हें सलाम किया। कम समय में ही उन्होंने हिंदी, भोजपुरी, दक्षिण की फिल्मों में अपना नाम कमाया। भोजपुरी के वो सुपरस्टार बनकर उभरे।
ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि जब रवि किशन 17 साल के थे तो महज 500 रुपए लेकर घर से मुंबई आ गए थे। रवि किशन ने भोजपुरी, बॉलीवुड और टॉलीवुड की ऑडियंस को अपनी अदाकारी से फैन बनाया है। एक सांसद के रूप में भी रवि किशन क्षेत्र से लेकर राष्ट्रीय मुद्दों पर लगातार मुखर रही हैं। सभी नागरिकों के लिए जरूरी मतदान, भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग, बॉलीवुड में ड्रग नेटवर्क, भोजपुरी में अश्लीलता और तमाम सारे मुद्दों पर उन्होंने खुलकर अपनी राय रखी। शॉटगन के नाम से मशहूर, सबको खामोश कर देने वाले दिग्गज अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा अपने बेबाक अंदाज की वजह से अक्सर विवादों में घिरे रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कटाक्ष करने में ना तो सिनेमा को बख्शा और ना ही राजनीति को। शत्रुघ्न सिन्हा ने सिनेमा में भी खूब नाम कमाया और उतनी ही चर्चा उनके राजनीतिक करियर की भी रही। कभी बीजेपी में लाल कृष्ण आडवाणी के करीबी माने जाने वाले शत्रुघ्न सिन्हा आज तृणमूल कांग्रेस से सांसद हैं। साल 1992 में शुरू हुए राजनीतिक सफर में शत्रुघ्न सिन्हा ने बहुत कुछ देखा। वो जिस पार्टी में रहे उनकी जगह समय के साथ खास होती चली गई। शत्रुघ्न सिन्हा 1996 से 2008 तक दो बार राज्यसभा सांसद रहे। यहाँ तक कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 2003 में जब मंत्रिमंडल विस्तार किया तो शत्रुघ्न सिन्हा को मंत्री पद दिया गया, लेकिन साल 2014 में मंत्रिमंडल में जगह न मिलने से वो नाराज हो गए और तभी से ही बगावती सुर बुलंद हो गए और बीजेपी के बाद कांग्रेस से भी उनका बहुत जल्द मन भर गया। अब सिन्हा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में है। मुकाबले में आप ऐसा क्यों देख रहे हैं? इंडिया ब्लॉक जो है, जिस तरह से लोग कुछ लोग छोड़ के जा रहे हैं, कुछ लोग दल बदल रहे हैं, कुछ लोग पलटू हो रहे हैं, कुछ लोग बिक रहे हैं या कुछ लोग जो खरीदे जा रहे हैं, किस मकसद से लोग देख रहे हैं? जनता देख रही है। और जबकि इस बार जनता की जागृति जो हुई है शायद इसके पहले कभी नहीं हुई थी। ऐसी जागृति है कि लोग बदलाव परिवर्तन चाह रहे हैं बेहतरी के लिए। तंग आ गए ही गारंटी की बात, और ये गारंटी में जो एक गारंटी पूरी होती नहीं कि दूसरी गारंटी अब शुरू कर देते हो, फिर बोलते हो मोदी गारंटी का मतलब मोदी की गारंटी पूरे होने की गारंटी, तो कहां पहली गारंटी कहां कोई पूरी हुई? या बताया ना कि ये गारंटी पूरी कर दिया आपने? आज आप इससे बातें और कहते ना अंग्रेजी में यू कांट फूल ऑल द पीपुल ऑल द टाइम, हर बार हुई बात करके बेवकूफ थोड़ी बनाते, कभी दो चार बार बना लेंगे, दो चार बार बन जाएंगे, लेकिन हर बार नहीं बन सकते हैं ना। तो ये जो है एक, मैं समझता हूं, दम्भ है, अहंकार है, खोखलेबाजी है, चोंचलेबाजी है। मुझे नहीं लगता है कि तमाम कोशिशों के बावजूद हमारे रूलिंग पार्टी के फ्रेंड्स को आज जितना अपने आप को तसल्ली दे दें, पीठ थपथपा लें, लेकिन वो 150-250 से ज्यादा सीटें कवर नहीं कर पाएंगे। शत्रुघ्न सिन्हा का सियासी सफर खुद किसी फिल्म से कम नहीं रहा। तमाम तरह की कॉन्ट्रोवर्सीज के बावजूद शत्रुघ्न सिन्हा ने सियासी धाक जमाने में कामयाबी हासिल की। टीएमसी ने एक बार फिर आसनसोल सीट से शत्रुघ्न सिन्हा को ही उतारा है। इस सीट से बीजेपी के टिकट पर बाबुल सुप्रियो लोकसभा चुनाव 2019 में जीते थे। बॉलीवुड के शॉटगन कहे जाने वाले दिग्गज एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने करियर में एक से एक सुपरहिट फिल्में दी हैं। उन्होंने कई फिल्मों में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया है। पिछले कई सालों से वो राजनीति में भी अपना दम दिखा रहे हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल की हुगली सीट से एक बार फिर लॉकेट चटर्जी पर ही भरोसा जताया है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में लॉकेट चटर्जी का जबरदस्त जलवा है। लॉकेट पॉलिटिक्स में आने से पहले फिल्मी दुनिया में एक नामचीन शख्सियत रही है। भारतीय सिनेमा जगत को कई हिट फिल्में दी। लॉकेट के पिता दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पुरोहित थे। अब मंदिर से राजनीतिक का सफर लॉकेट चटर्जी को एक बार फिर लोकसभा की दहलीज तक ले आया है। लोकसभा चुनाव से पहले लॉकेट चटर्जी ने पॉलिटिक्स में कदम रखा और ममता बनर्जी की टीएमसी ज्वाइन कर ली।
हालांकि पार्टी से कुछ रनबन के बाद उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया। साल 2015 में लॉकेट चटर्जी ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। साल 2016 में उन्होंने मयूरेश्वर की सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा, मगर तृणमूल के अभिजीत राय से उनको मात खानी पड़ी। आसमगढ़ से भाजपा के टिकट पर जीत दर्ज करने वाले भोजपुरी के सुपरस्टार अभिनेता दिनेश लाल यादव निरहुआ ने सपा का किला क्या ढहाया। वो राजनीति में भी नंबर एक नेता के तौर पर पहचान बनाने में कामयाब हो गए हैं। इसी सीट पर 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव के खिलाफ निरहुआ को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन निरहुआ ने यहां से उपचुनाव जीतकर लोगों का दिल जीत लिया है। बता दें कि भोजपुरी कार्यक्रमों के मंचों से गाने वाली निरहुआ की पहली फिल्म हम का ऐसा वैसा न समझो थी। हालांकि इस फिल्म से निरहुआ को वो मुकाम हासिल नहीं हुआ जिसके वो हकदार थे, लेकिन उनकी आवाज का जादू तब भी लोगों के सिर चढ़कर बोलता था। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, अपने पूजनीय प्रधानमंत्री जी का, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, जेपी नड्डा जी का, हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी का, जिन्होंने मुझे एक बार और अवसर दिया है आजमगढ़ का सेवा करने के लिए और यहां से चुनाव लड़ने के लिए। तो निश्चित रूप से इसमें अगर मैं आजमगढ़ की जनता को धन्यवाद नहीं दूंगा तो ये ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो मेरा यहां टिकट फाइनल हुआ है उसके पीछे आजमगढ़ की देवतुल्य जनता है, क्योंकि जितना भी सर्वे हुआ उसमें आजमगढ़ की जनता ने कहा कि हमें दिनेश लाल यादव ही चाहिए, तो इसलिए पार्टी ने मुझे यहां भेज दिया है। और आजमगढ़ की जनता ने ये देखा है कि हम लोगों ने जो वादा किया था कि आप हमको एक डेढ़ साल का जो मौका है वो दे दीजिए, जो कभी नहीं हुआ है वो आजमगढ़ में हम करके दिखाएंगे। और आजमगढ़ की जनता ने जब मौका दिया तो आप देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से आजमगढ़ जुड़ गया, विश्वविद्यालय आजमगढ़ में बन गया, आजमगढ़ में संगीत महाविद्यालय बन रहा है, आजमगढ़ में अभी जो रेलवे, नई रेलवे लाइन है वो बिछ रही है, आजमगढ़ का जो एयरपोर्ट है उसका उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। तो ये सब एक साल में जितना काम हुआ है यहाँ कमल खिलने के बाद, इस बात से आजमगढ़ की जनता भी खुश है और इसलिए जनता ने हमें फिर से मांग लिया और पार्टी ने हमको यहाँ भेज दिया। 2006 में निरहुआ की आई फिल्म चलत मुसाफिर ने उन्हें सुपरस्टार अभिनेता के तौर पर मान्यता दे दी। इसके बाद आई फिल्म निरहुआ रिक्शा वाला के बाद तो उन्हें इसी नाम से जाना जाने लगा। दिनेश लाल ने 2019 में राजनीति में कदम रखा। वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ से बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में सामने आए। अप्रैल 2019 में उन्हें आजमगढ़ लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार घोषित किया गया। वहीं जब आजमगढ़ उपचुनाव में उन्होंने धर्मेंद्र यादव के खिलाफ चुनाव लड़ा तो उनकी धाक और जम गई। दिनेश लाल उर्फ निरहुआ अब एक बार फिर अपना दमखम दिखाने को तैयार हैं। कई फिल्मी कलाकार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, कोई पहली बार तो कोई दूसरी तीसरी बार, सियासी बारी खेलने की ओर है। ऐसे में फिल्मी सितारों की चमक से राजनीति का रंग और निखर के आने वाला है।